दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और अनुपम फूड्स चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं आज बहुत ही टेस्टी कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न बना रही हूं। उसके लिए थोड़े से इस तरह के कॉर्न ली हूं। ये कॉर्न मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो चलिए बनाती हूँ। अब एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल या बटर, जो आप पसंद करती हैं, वो डाल दी हूँ और इसे हाई फ्लेम पर पूरी तरह से गर्म कर रही हूँ। अब इसमें इस कॉर्न को डाल दे रही हूँ। डालकर इसे हमें 1 से 2 मिनट भूनना है। जब ये कॉर्न फूटने लगे तो इसे ढककर पूरा पॉपकॉर्न बना लूँगी। तो चलिए 1 से 2 मिनट इसे इसी तरह से हाई फ्लेम पर भून ले रही हूँ। हमें ऑयल इतना डालना है कि कॉर्न हमारे अच्छे तरह से इसमें डूब जाए। ये देखिए, अच्छे तरह से ये सारे कॉर्न डूबे हुए हैं। चलिए इसे 1 से 2 मिनट इस तरह से चलाते हुए भून ले रही हूँ। जब ये फूटने लगेंगे तब इसे ढककर पूरा बना लूँगी। ये देखिए, हल्के हल्के सफ़ेद होने लगे और ये फूटने लगे हैं। तो चलिए अब इसे ढक देती हूँ, ढककर इसे पूरा फूटने देती हूँ। इसमें जैसे ही फूटने की आवाज़ें बंद आने होने लगे तो हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है, नहीं तो ये जलने लगेंगे। कॉर्न हमारे अच्छे से फूट गए हैं। ये देखिए, सारे कॉर्न अच्छे से फूट गए हैं। अब इन्हें हम एक दूसरे प्लेट में निकाल ले रहे हैं। सारे पॉपकॉर्न को एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब उसी कढ़ाई में जिस क्वांटिटी में कॉर्न ली थी उससे डबल क्वांटिटी में हमें चीनी लेना है। उसे इसमें डाल देती हूँ और हाई फ्लेम पर इसे चारों तरफ फैला दे रही हूँ ताकि इसके अच्छे से गल जाए। इस तरह से फैला दे रही हूँ। जब ये गलने लगेंगे तब इसे अच्छे से चलाते हुए इसे मिला लूँगी। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, इसे हाई फ्लेम पर ही इस तरह से पका लूँगी। ये देखिए, इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। ये चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसमें 1 चम्मच बटर या घी, जो आप पसंद आपके पास अवेलेबल है, उसे डाल दें और इसे लगा इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से मिला लें। अब इसमें 1 चुटकी खाने वाला सोडा मिला ऐड की हूँ और इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से पका ले रही हूँ। ये देखिए, हमारी चीनी कैरमलाइज्ड हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और ये जो पॉपकॉर्न बना करके रखी थी उसे इसमें डालकर मिला दे रही हूँ। इवेनली हमें इसे चारों तरफ से मिला लेना है ताकि अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाए। सारे पॉपकॉर्न में अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये लीजिए दोस्तों, हमारे कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न बनकर तैयार है। प्लीज़ आप इस रेसिपी से ज़रूर एक बार पॉपकॉर्न बनाएं, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। मार्केट या थिएटर में तो ये काफ़ी महंगा मिलता है और आप इसे घर में काफ़ी इजी वे में बना सकती हैं और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।